दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 2024 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। कल आप कैंडिडेट्स ने एसएससी जीडी के रिजल्ट को आउट करवाने के लिए एक ट्विटर कैंपेन चलाया, सो आज की वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। सबसे पहले हम जानते हैं ट्विटर काम कैसे करता है। तो ट्विटर काम करता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि आप जो भी पोस्ट डालते हैं, जो भी आप हैशटैग डालते हैं, अगर वो ट्रेंडिंग में आ जाता है तो ट्विटर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। अब किसी भी पोस्ट को, किसी भी हैशटैग को ट्रेंडिंग में लेकर आने के लिए कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में ट्वीट्स या रिट्वीट्स चाहिए। अब फ़ायदा क्या है किसी भी टॉपिक को ट्रेंडिंग के अंदर लेके आने का? देखिए, ट्विटर के ऊपर दिन भर में लाखों पोस्ट आती हैं और लाखों पोस्ट यहाँ पर ख़त्म भी हो जाती हैं, किसी के नोटिस में भी नहीं आती हैं। सो अगर आपने भी कोई पोस्ट डाली है, कोई हैशटैग यूज किया है, अगर वो ट्रेंडिंग में नहीं आएगा तो वो भी उन लाखों पोस्ट की तरह कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा, यानी कि किसी के नोटिस में नहीं आएगा। अब अगर आपकी जो पोस्ट है वो ट्रेंडिंग में आ जाती है, आपका हैशटैग ट्रेंडिंग में आ जाता है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो हैशटैग है, जो पोस्ट है, वो एक वैरायटी ऑफ जो लोग हैं ना, उनके नोटिस में आएगा और वो सारे लोग इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हुए कि यार इनको जो है न्याय मिलना चाहिए, आपके उस ट्वीट को, जो पोस्ट है, जो हैशटैग, उसको ट्वीट करते हैं, रिट्वीट करते हैं और इससे चांस बढ़ जाते हैं कि आपकी जो पोस्ट है, जो आपका हैशटैग है, वो वायरल हो जाए और जहां तक आप बात पहुंचाना चाहते हैं वहां तक आपकी बात पहुंच जाए। अब अगर आप 400-500 लोग ट्विटर के ऊपर जाते हैं और वहां पर ट्वीट करके आते हैं तो इसके दो बड़े नुकसान आपको होते हैं। सबसे पहला नुकसान है कि आपकी जो पोस्ट है वो नोटिस नहीं की जाएगी क्योंकि वो ट्रेंडिंग के अंदर नहीं आती है, और जो लाखों पोस्ट ट्विटर पे डेली की जाती है उनके साथ कहीं पे आपकी जो पोस्ट है वो भी दफन हो जाएगी। सेकंड, इनसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा कि भाई ये 400-500 लोग हैं, ये रोज आते हैं और ट्वीट करके चले जाते हैं, सो इससे आपका जो मोटिव है वो यहाँ पर वीक पड़ता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के नहीं आता है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहें तो पहला हमला जो है वो बहुत दमदार होना चाहिए, उसके बाद जो आप टुकड़ों में हमले करते हो उसका ऐसा असर नहीं पड़ता जो पहला हमला जो आप दमदार करते हैं उससे पड़ता है। अब ये तो सब हुई ज्ञान की बातें, इसका तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आपका जो मोटिव है, यानी कि ट्विटर को हिलाना और रिजल्ट को आउट करवाना, वो सफल नहीं हो जाता है। अब इस ट्विटर अभियान को जो आपने कल चलाया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कमी थी, यानी कि शॉर्टेज ऑफ टाइम। यहां पर टाइम की बहुत ज्यादा कमी थी। अब आप इसे महाभारत से समझिए, महाभारत के युद्ध से पहले दोनों पक्ष के जो योद्धा थे, अर्जुन और दुर्योधन, वो सभी देश विदेश के राजाओं के पास जाते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं युद्ध के लिए कि आप आइए, हमें हेल्प कीजिए, हम एक युद्ध लड़ने वाले हैं। सो यहां से आप इस रणनीति को समझ सकते हैं। अब आपके साथ हुआ क्या कि आपको दोपहर में बताया गया कि कल सुबह एक ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जाएगा और अगले सुबह 10 बजे आपका जो ट्विटर कैंपेन वो ऑर्गेनाइज करवा दिया गया। अब इससे हुआ क्या कि जिस सभी बच्चों को यहां पर टाइम नहीं मिल पाया तैयारी का, सेकंड, यहां पर कि आपकी जो ये आवाज़ है या ये जो आह्वान आपने किया था ट्विटर का, ये जिन भी बच्चों के पास पहुंचना चाहिए था उनके पास नहीं पहुंचा। थर्ड, यहाँ पर क्या हो गया कि आपको अलग अलग आपने यहाँ पर हैशटैग यूज किए कि आप एक हैशटैग यूज नहीं कर पाए क्योंकि सभी बच्चे तो आप जोड़ नहीं पाए, इसीलिए कोई हैशटैग यूज कर रहा है और कोई और हैशटैग यूज कर रहा है, और इसी वजह से जो एक हैशटैग ट्रेंडिंग में आना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं आ पाया। और फोर्थ और जो लास्ट ऑप्शन है, जो रीजन है, वो है क्रेडिट का, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है, क्रेडिट कौन यहाँ पर लेगा। देखिए, अब जो भी यहाँ पर आपके इसको ट्विटर कैंपेन को ऑर्गेनाइज करवा रहा है, मान लो उसने जल्दबाजी में 300-400 लोगों के साथ जैसा भी हो ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज करवा दिया, अब खुदा ना खास्ता मान लीजिए कि वो रिजल्ट आउट हो जाता है और उसके बाद पूरा क्रेडिट किसे मिलेगा? तो उसको जिसने 200-250 ट्वीट करवाए थे। अब चाहे उसकी वजह से एक पत्ता नहीं लाओ, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करेगा कि यहाँ पर जो क्रेडिट है वो उसे मिले कि भाई मेरे इन 200-300 ट्वीट की वजह से जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आउट हुआ है। इसी वजह से एक क्रेडिट लेने के चक्कर में सभी लोगों को साथ लेने का जो प्रोग्राम था उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। अब इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक ईगो छोड़ना पड़ेगा कि भाई मैं सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर वाले से बात करूँगा, मैं सिर्फ 1,00,000 सब्सक्राइबर वाले से बात करूँगा। यहाँ पर सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो 5,000 सब्सक्राइबर वाला
हो या फिर वो 5 लाख सब्सक्राइबर वाला कोई एक यूट्यूब चैनल हो, क्योंकि सभी की अपनी ऑडियंस है, सभी को अपने अपने जो चाहने वाले हैं वो सुनते हैं, तो सभी को साथ मिलकर यहाँ पर एक हैशटैग डिसाइड करना पड़ेगा, सभी को साथ मिलकर एक डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, सभी को साथ मिलकर एक झंडे के नीचे आके एक साथ आह्वान करना पड़ेगा, और उसके बाद सभी टीचर्स जब मिलेंगे सभी कैंडिडेट्स तक एक हैशटैग, एक डेट और एक टाइम पहुंचेगा, तभी ये जो आपका ट्विटर कैंपेन है ये यहाँ पर सफल हो पाएगा। अदरवाइज 450-500 में ना आप क्रेडिट की लड़ाई लड़ते रह जाओगे, कोई फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी सबसे पहली शुरुआत मैं मुझसे करता हूँ, मैं सभी टीचरों से आज से ही बात करूँगा, सभी टीचरों के लिए मैं एक मैसेज छोड़ूंगा और सभी टीचरों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप सभी लोग आइए, सभी लोग मिलकर सभी बच्चों के लिए एक वीडियोज़ बनाइए, सभी एक ही टाइम एक ही हैशटैग और एक ही डेट की वीडियो बनाइए और सभी साथ मिलकर हम एक साथ ट्विटर के ऊपर ऐसा हल्ला बोलेंगे कि जिससे एसएससी भी हिल जाएगी और उसके बाद आपका ट्विटर भी हिल जाएगा। और यकीन मानिए हम रिजल्ट की घर वापसी का रास्ता खोल कर रहेंगे, हम रिजल्ट को घर वापस लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।